राइट, नेक्स्ट हेडिंग किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। किरचॉफ गिव टू लॉज नोन एज किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि रेस्ट टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकालें, है तो वहाँ पर क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। क्या करते हैं, किरचॉफ, किरचॉफ लॉ यूज करके हम जो है कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट के डिफरेंट ब्रांच में करंट की वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ यूज का क्या है, बताइए, इसकी वजह से जो है आप किसी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट के डिफरेंट ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सर्किट यूज होता है जिसमें कि आप जैसे करंट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये इसके पहले पढ़ा था ना। अगर कोई सर्किट ऐसा है जिसमें कि नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको नहीं डिसाइड हो रहा है ना, तो नेट रेजिस्टेंस डिसाइड हो रहा है, वहाँ पर आप किरचॉफ लॉ लगा करके इजिली करंट वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के दो स्टेटमेंट है, कौन से दो स्टेटमेंट है पढ़ना है आपको। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहलाता है, या फिर जॉनसन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉनसन रूल। तो नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट देखें, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ आर जॉनसन रूल, इसको जॉनसन रूल भी कहते हैं, जॉनसन रूल। तो जैसे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो एक वायर पर बहुत सारे वायर मिल सकते हैं ना, जैसे कोई वायर यार, कोई वायर यार, कोई वायर यार है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है ना। तो देखिए एक वायर पर बहुत सारे वायर मिल कर सकते हैं ना, तो जहाँ पर जंक्शन क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, मतलब जंक्शन क्या होता है, जंक्शन जहां पर बहुत सारे वायर दूसरे एक दूसरे पॉइंट मिलेंगे, क्या करें वो जंक्शन। जैसे यहाँ देखिए एक पार्टी मिले, एक पार्टी मिले तो क्या कहलाता है, जंक्शन। ठीक है ना, तो जहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी वो क्या कर लेगी, जंक्शन। यहाँ देखिए इस पर जो है पॉइंट टू पर बहुत सारे वायर इलेक्ट्रिकल सर्किट आकर के मीट कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। तो देखिए इस ओ पी ओ जो है वहाँ से करंट आई वन है, ये आपका करंट आई टू है, ये आई थ्री है, आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स, ये करंट है। इसमें देखिए I1 करंट जंक्शन को आ रही है, I2 करंट जंक्शन से दूर जा रहा है ना, I3 करंट जंक्शन को आ रहा है, ठीक है, और I4 करंट जो है जंक्शन को आ रहा है, और नहीं I3 करंट जंक्शन से दूर जा रहा था, I3 I4 जंक्शन से दूर जा रहा है, और I5 जंक्शन को आ रहा है, I5 I6 जंक्शन को आ रहा है, ठीक है, I7 I7 एट गोरखपुर जंक्शन है ना, जिसमें देखिए पुश करंट जंक्शन को आ रहा है, अब पुश करंट क्या हो रहा है, जंक्शन से दूर हो रहा है ना। तो देखिए इनका स्टेटमेंट ये है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन। ठीक है, तो ये अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन,
एन इलेक्ट्रिकल एट एन इलेक्ट्रिकल जंक्शन इनका स्टेटमेंट क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एन इलेक्ट्रिकल जंक्शन इज जीरो। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पर मीट करने वाले सभी करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है? अलजेब्रिक सम क्या होता है? जीरो। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट। तो सिग्मा आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। सिग्मा इक्वल क्या होगा? अलजेब्रिक सम को सिग्मा से निकालते हैं। सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रिक सम का क्या मतलब होता है। अलजेब्रिक सम मतलब इसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान दिया जाएगा। जब जोड़ेंगे तो इसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेकर जोड़ेंगे, तो जो करंट जंक्शन को और आएंगे वो पॉजिटिव होगी, जो करंट जंक्शन से दूर जाएंगे वो क्या होगी? नेगेटिव। तो करंट कमिंग टू द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। ये कन्वेंशन होगा। ठीक है, देखिए ले लीजिए, करेंट कमिंग टू डि जंक्शन, करेंट कमिंग टू डि जंक्शन, कमिंग टूअर्ड जंक्शन, टूअर्ड्स द जंक्शन, करेंट कमिंग टू डि जंक्शन आर टेकन एज, आर टेकन एज, आर टेकन एज पॉजिटिव एंड करेंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, करेंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, करेंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, करेंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव, आर टेकन एज नेगेटिव। ये जो है कन्वेंशन। ठीक है, तो देखिए इसमें आयो करंट क्या बताइए? आयो करंट जंक्शन दूर आ रही है इसलिए पॉजिटिव दी जाएगी, आई टू करंट जंक्शन से दूर जा रही है इसलिए माइनस हो जाएगा, आई थ्री करंट जंक्शन दूर आ रही है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, आई फोर करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, आई फाइव करंट जंक्शन दूर आ रहा है इसलिए पॉजिटिव हो गया, और आई सिक्स करंट जंक्शन दूर आ रहा है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, आई सेवन करंट जंक्शन से दूर जा रहे इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। इन सबको जोड़ने वाले इसकी वैल्यू क्या आगे जीरो, इसकी वैल्यू क्या आगे जीरो। ठीक है, अब जो है पॉजिटिव पार्ट हम अलग कर लेते हैं, नेगेटिव पार्ट अलग कर लेते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट आपका आई वन है, आई थ्री है और I5 है, I6। नेगेटिव पार्ट आपका I2, I4, I6। नेगेटिव पार्ट इसके बाद क्या है? तो देखिए तो नेगेटिव पार्ट हम राइट साइड लेते हैं, तो I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6 इसको क्या हो गया? I2 प्लस I4 प्लस I6। ठीक है, तो देखिए I1, I2, I3, I5 क्या है? करेंट कमिंग टू द जंक्शन, ये क्या चीज है? करेंट्स कमिंग टू द जंक्शन, और आई टू आई थ्री आई टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, करंट डिसाइडिंग द जंक्शन ना। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट मिला कि करंट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट या करंट सम ऑफ करंट कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट रिसाइडिंग द जंक्शन, सम ऑफ करंट कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन या रिसाइडिंग द जंक्शन। ठीक है, तो देखिए ये करंट आ रही है एक का सम और ये करंट जा रही है एक का सम, दोनों आपस में क्या बराबर है ना? ठीक है, तो करंट कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो देखिए करंट क्या होता है? करंट है ये चार्ज होता है, करंट होता है चार्ज फ्लोइंग इन वन सेकेंड ना, करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग इन वन सेकेंड, इसका मतलब सम ऑफ चार्ज कमिंग टू द जंक्शन इन वन सेकेंड इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज गोइंग रिसाइडिंग द जंक्शन, गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन।
एक सेकंड में जितना चार्ज किसी जंक्शन पर आता है उतना ही चार्ज एक सेकंड में उस जंक्शन पर छोड़ देता है, ठीक है। जितना एक सेकंड में जितना चार्ज जंक्शन पर आएगा तो एक सेकंड में उतना ही चार्ज जंक्शन को छोड़ देगा, है ना। इसका मतलब देर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज, देर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं होता जंक्शन में, चार्ज रुकेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा। जितना चार्ज आएगा, जैसे 5 कूलम चार्ज एक सेकंड में आया तो 5 ही कूलम चार्ज उस जंक्शन को एक सेकंड में छोड़ देगा, ठीक है। तो देर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज, देर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज, है। तो क्या बता रहा हूँ कि तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉरवर्ड कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉरवर्ड कर रहा है ना, जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, है, जितना चार्ज, हाँ। तो देर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन, ठीक है। तो दस किरचॉफ फर्स्ट लॉ होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसको होल्ड करता है, है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ होल्ड फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ फर्स्ट लॉ होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब चलिए किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, एरो की डायरेक्शन सही दिखाया है, कल हम पूछेंगे जो पढ़ाएंगे और नेक्स्ट डे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड सेकेंड आपको लूप रूल देखे थे, क्या कहते हैं लूप रूल, मेस रूल, लूप रूल या मेस रूल देखे, ठीक है। चलिए तो किताब लूप रूल क्या है, सेकेंड बने तो देखिए मानते हैं कि आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और हैवी इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स E1 E2, इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स है E1 E2, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल है। तो देखिए इसमें एक क्लोज सर्किट आप लेते हैं E1, इसको A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, एक E1 A E2 B E1 एक क्लोज सर्किट बन रहा है, एक क्लोज सर्किट आपका E2 A B E2 बन रहा है ना, एक क्लोज सर्किट आपका ये बनेगा E1 A R B
बी यू आर। देखिए आप, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके डिफरेंट ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू निकालना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, लूप रूल का स्टेटमेंट या किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, चीज होता है। देखिए इनका स्टेटमेंट है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन वोल्टेज ड्रॉप इन ईच एलिमेंट इन दैट लूप। कोई आप लूप ले लीजिए, उस लूप में जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स हैं उन सभी का अल्जेब्रिक सम कर लीजिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर पाइएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इन दैट लूप, अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ईच एलिमेंट इन दैट लूप के बराबर पाइएगा। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट है, ये चीज यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एनी क्लोज लूप, एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, अल्जेब्रिक सम वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इन दैट लूप, अक्रॉस ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट इन दैट, इन दैट लूप, दैट लूप। ठीक है, तो अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सिग्मा ई से दिखाएंगे, अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप को सिग्मा बी से दिखाएंगे। तो सिग्मा ई वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ना। इस तरह से सिग्मा ई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आई आर होगा, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर, है ना। आप देखिए अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या मतलब है और अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है, उन्हें किस कंडीशन में आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव दीजिएगा, किस कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेगेटिव दीजिएगा, है ना। तो अगर जो है करंट सर्किट से, सॉरी इफ करंट इमर्जेस फ्रॉम सेल, अगर सेल करंट दे रही है, इमर्ज हो रहा है, ठीक है, तब फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, और इफ करंट इंटर इनसाइड दिस सेल तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब करंट डिस्चार्ज हो रही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव, सॉरी सेल डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव, और सेल अगर चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेगेटिव ना। ठीक है, अच्छा ये चीज जो है हम कैसे पता करेंगे कि कौन इमर्ज हो रहा है, कौन चार्ज हो रहा है, कौन डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए क्या करते हैं, इसे क्लोज लूप में हम क्लॉकवाइज चलते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एक लूप ले लीजिए, एक सर्टेन लूप ले लीजिए, उस सर्टेन लूप में जो है क्लॉकवाइज चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए ना। तो अगर जैसे एक डायरेक्शन ले लिया, मैंने मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो जितने जिस सेल का नेगेटिव रेट पहले पड़ेगा, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज वो करते हैं लूप में, तो जिस सेल का नेगेटिव प्लेट पहले पड़ेगी, पॉजिटिव प्लेट बाद में पड़ेगी, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, और जिसका पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ेगा नेगेटिव बाद में पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये आपका वोल्टेज अरे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साइन डिसाइड करने का तरीका हो गया है। और वोल्टेज का साइन कैसे डिसाइड करेगा, वोल्टेज का साइन कैसे डिसाइड करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने उसी डायरेक्शन चलेंगे जिस डायरेक्शन में चला था लूप में, क्लॉकवाइज चला था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चला था एंटी क्लॉकवाइज ना, एक लूप में एक ही डायरेक्शन में चल सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एंटी क्लॉकवाइज हमने चला था तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज चलने पर जिस जो रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लाई करेगा, है जो रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लाई करेगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा पॉजिटिव, और जो रेजिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट लाई करेगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा नेगेटिव होगा, है ये कन्वेंशन होता है। इस कन्वेंशन को फॉलो लगाते हुए हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको क्या करना है, इसके डिफरेंट ब्रांच में करंट निकालना है। तो मानते हैं कि सेल करंट, सेल इवन कितना करंट दे रहा है, आई, सेल इवन कितनी करंट दे रही है, ठीक है। ये दोनों करंट यहाँ मिल जाएंगे, अब मिल करके इसमें एक नेट करंट मानते हैं क्या बनता था आई, तो आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है ना। तो देखिए हमारे पास अब जब आई करंट यहाँ पहुंचेगा, इस आई करंट को दो पार्ट मिलेगा, एक इधर ना। तो जितना करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल से बाहर होगा, क्योंकि चार्ज करना भी क्रिएटेड करना भी डिस्ट्रॉय ना, जितना चार्ज चल रहा उतना चार्ज वापस होगा ना। इस तरह से सेल इवन से जितना चार्ज चला है उतना ही चार्ज क्या होगा बाहर होगा, उतना ही चार्ज क्या होगा बाहर होगा ना। इस तरह से आई जो करंट यहाँ पहुंचेगी तो आई टू करंट इधर चली जाएगी, आई टू करंट इधर, ठीक है। अब चलिए इसमें लूप कौन सा है, एक लूप आपका ये बन रहा है, एक क्लोज लूप ये बन रहा है, एक क्लोज लूप में ही अप्लाई होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, एक क्लोज लूप बन रहा है, खुला नहीं है ना, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कौन सा डायरेक्शन चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एक लूप आपका यहाँ बन रहा है, देखिए एक लूप इधर भी बन रहा है, ठीक है, इसको बाहर ले जाएंगे। तो देखिए पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, वोल्टेज आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले कन्वेंशन ले लेते हैं, कन्वेंशन क्या है, वोल्ट आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आर मूविंग इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माने घड़ी के सुई के चलने की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप, इफ नेगेटिव प्लेट ऑफ, इफ नेगेटिव नेगेटिव प्लेट ऑफ सेल लाइज फर्स्ट, नेगेटिव प्लेट ऑफ सेल लाइज फर्स्ट, फर्स्ट एंड पॉजिटिव प्लेट लेटर, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट लेटर, पॉजिटिव प्लेट लेटर, देन इलेक्ट्रॉनिक फोर्स इस टेकन इज पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स इस टेकन इज पॉजिटिव, टेकन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स इस टेकन इज, ठीक है। और एंड इफ पॉजिटिव प्लेट लाइज फर्स्ट, पॉजिटिव प्लेट लाइज फर्स्ट, प्लेट लाइज फर्स्ट एंड नेगेटिव प्लेट लेटर, फर्स्ट एंड नेगेटिव प्लेट लेटर, नेगेटिव प्लेट लेटर, देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, फोर्स ऑफ सेल इज टेकन एज, इज टेकन एज नेगेटिव, ये तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए हो गया। वोल्टेज ड्रॉप के लिए आ जाइए, तो वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज पॉजिटिव,
वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव एंड वोल्टेज ड्रॉप इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट is taken in negative, and voltage drop in the opposite direction of current, opposite direction of current. ये चीज आपको वोल्टेज इस अबाउट हो गया, अभी दोनों में अप्लाई कर देते हैं। चलिए अप्लाइंग लूप रूल इन मेश वन, अब मेश वन में लूप रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लूप रूल इन मेश वन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल पॉजिटिव मिल जाएगा, इक्वल नेगेटिव मिल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इन आर पॉजिटिव मिल जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप इन आर नेगेटिव मिल जाएगा। चलिए एंटी क्लॉक में मूव करते हैं, सेम ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, है ना, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या बढ़ते हैं और फिर इधर जाते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव टोटल है, फिर इसके बाद बैक हो, है ना। तो देखिए इवन सेल जो है, इवन सेल का नेगेटिव रेट पहले लगेगा पॉजिटिव बाद, इवन सेल का नेगेटिव रेट क्या है पहले लेकर ले और पॉजिटिव बाद में बहुत लेकर है, इसलिए इवन में जो वोल्टेज गिरेगा क्या होगा पॉजिटिव होगा, इवन में जो वोल्टेज गिरेगा क्या होगा पॉजिटिव, तो इसलिए इवन पॉजिटिव गिरेगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, तो देखिए ई टू है, ई टू में देखिए ई टू में जो है पॉजिटिव पहले लेकर है नेगेटिव बाद, एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज मोशन में पॉजिटिव पहले लेकर है नेगेटिव बाद में, तो इसलिए जो है इसमें जो वोल्टेज गिरेगा नेगेटिव, you
करेंगे तो देखिए सेल E2 का पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट पहले लाइक कर रहा है और पॉजिटिव बाद में, इसलिए इसमें गिरने वाली वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी क्योंकि हम इधर टोटल है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हमारा बनेगा। ठीक है, इसके नेगेटिव पहले लाइक करें पॉजिटिव बाद में लाइक कर रही है, इसलिए सेल E2 का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव इक्वेशन देते हैं। आप एक ही इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स है, दूसरा है नहीं, तो एक ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए वोल्टेज कहाँ गिरेगा, वोल्टेज कैपिटल आर में गिरेगा और आर टू में गिरेगा ना। तो चलिए फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज बी से एक और जा रहे हैं, करंट भी बी से एक और जा रही है। ठीक है, इसलिए आर टू में गिरने वाली वोल्टेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आर टू में गिरने वाली वोल्टेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, आर टू आई टू है ना। फिर आगे को मूव कर रहे हैं तो देखिए आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और करंट भी लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, करंट भी क्या हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, इसमें इसलिए इसमें गिरने वाली वोल्टेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आई एम टू आर पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड हो गया ना। तो देखिए देयर आर थ्री अनोन्स, आपके पास तीन अनोन है, आई वन आई टू एंड आई ना। तो दो तो थ्री अनोन की वैल्यू निकालने के लिए हमको तीन थ्री इक्वेशन चाहिए, कितने चाहिए थ्री इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हमने लिख लिया, एक इक्वेशन और लिख लेते हैं। एक देखिए बड़ा सा लूप बांधा है, एक लूप क्या है बड़ा सा बांधा है, ये वाला देखिए एक क्लोज लूप आपका ही बनेगा ये ना, एक लूप आपका ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम इक्वेशन लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर सेल ई1 का नेगेटिव पॉइंट लाइक कर रहा पॉजिटिव बाद में, इसलिए सेल ई1 यानी कि अप्लाइंग लूप रूल इन मेश, अप्लाइंग लूप रूल इन लूप, इसका लूप कौन है, इसका लूप ई वन ए, ई वन ए बी आर ए बी आर ई वन है ना, इसका लूप लूप ये बात इसे अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई करिए तो ई वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा इसके लिए नेगेटिव प्लेट पहले आ रही पॉजिटिव बाद में, तो पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है इसमें। अब वोल्टेज जो है आर में गिरेगा, कैपिटल आर में गिरेगा, तो देखिए आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, करंट भी राइट टू लेफ्ट चल रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है पॉजिटिव होता है, तो आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक कर रहा है, इसलिए इसमें गिरने वाली वोल्टेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो आई वन आर वन पॉजिटिव हो गया। अब आगे क्यों बढ़िए तो देखिए आई इंटू आर ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, करंट भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसलिए कैपिटल आर में गिरने वाली भी वोल्टेज भी हो जाएगी पॉजिटिव होगी, तो आई इंटू आर हो जाएगी। इक्वेशन नंबर थर्ड ना, तो देयर आर थ्री अननोन्स एंड थ्री इक्वेशन, तीन अननोन है तीन इक्वेशन है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी कैन फाइंड अननोन्स आई वन आई टू एंड आई थ्री, दैट इज अननोन करंट आई वन आई टू एंड आई थ्री व्हिच आर फ्लोइंग इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ द सर्किट ना, जैसे जैसे डिफरेंट ब्रांच ऑफ सर्किट में बहने वाले करंट आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ ना। ठीक है, ये तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री, बाय सॉल्विंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री वी कैन डिटरमाइन, वी कैन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ करेंट्स आई वन आई टू एंड आई थ्री, वैल्यू ऑफ करेंट्स आई वन कॉमा आई टू एंड आई थ्री। इस टाइप से बाय यूजिंग किरचॉफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यू कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड।